नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके साथ में फिर एक बार लेकर के आया हूँ फोर्ड की नई पेशकश फीगो स्पोर्ट। और इस फीगो स्पोर्ट की अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इसका यूज़र रिव्यू था। अभी रिसेंटली चूँकि यह कार आई है और इसका यूज़र रिव्यू जो मैंने बनाया था वो बहुत ही जल्दी का था, जिसमें मैंने थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ मैंने कुछ इस पर अपने यूज़र रिव्यू बताए थे। पर कुछ लोगों के द्वारा डिमांड की गई इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने का ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसमें मेरी कुछ राय जो आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की है, माइलेज की है, मैं इसमें शेयर करूँगा। सबसे पहले जब बात करते हैं गाड़ी की स्टेबिलिटी की, तो गाड़ी की ये स्टेबिलिटी आपको सामने दिखाएगी कि इस स्पीड पे, किस स्पीड पे हम गाड़ी को चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं और क्या ब्रेकिंग है, किस प्रकार की आपकी परफॉर्मेंस गाड़ी में आपको मिल रही है आप खुद देख सकते हैं। और गाड़ी का पिकअप, गाड़ी का टॉर्क, ये सारी चीज़ें आपको खुद इस वीडियो में एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे आप स्पीड देख रहे हैं, स्पीड मीटर अभी आपको 60 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड शो कर रहा है। और मैं इसके रिव्यू को अगर दूंगा, अपना रिव्यू अगर मैं आपको दूंगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का ये रिव्यू मेरा रहेगा कि एकदम इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी जो आपको मिलेगी, मीन्स अगर आप डीजल सेगमेंट में जाते हैं और सबसे पावरफुल कोई भी कार आपको मिलेगी 8 से 8.5 लाख के रेंज में, तो आपको वो फोर्ड की फीगो है। वैसे इस रेंज में आप एक और गाड़ी चूज़ कर सकते हैं इतनी पावरफुल, जो कि वोक्सवैगन की अमेयो होगी। वो एक सेडान है जिसे आप एस्पायर का कंपटीटर मान सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी में तो चूँकि वोक्सवैगन के कुछ लोग चूज़ नहीं करते। वैसे तो है वो भी बहुत ही अच्छी गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से और रीसेल मार्केट में उस बात ने सारी बातों को, और सर्विस पॉइंट हर जगह पे सर्विस नेटवर्क नहीं है, तो इस बात को लेकर के बहुत से लोग वोक्सवैगन को नहीं चूज़ करते। लेकिन चूँकि फोर्ड अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर है और इसी वजह से आज इसका सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा हो गया है और मार्केट में फोर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं इसका यूज़र रिव्यू, जो कि मीटर 110 किलोमीटर्स पर आवर पे आपकी गाड़ी ये टॉप गियर में चल रही है। और इसका जो आपको फिर से आप पिकअप देखेंगे, गाड़ी की स्टेबिलिटी, गाड़ी का परफॉर्मेंस, स्पीड को एक्सेलरेट कर रहे हैं 140, ये गाड़ी की ब्रेकिंग, चूंकि ये ट्रेवलिंग हाईवे पर है तो हाईवे पे, और टू लेन हाईवे है तो यहाँ पर ज़्यादा और हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी दिन मैं 4 लेन पे या 6 लेन पे निकला तो मैं बिल्कुल आपको हाई स्पीड इसकी दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि इस पे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है। लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस की जहाँ मैं बात कर रहा था, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है इन क्रॉस प्लेस पे, मीन्स अगर आप सिटी ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाते हैं तो ओवरऑल आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा, जो कि इवन मिनिमम से मिनिमम मुझे अभी ये गाड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं तो 1800 किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1800 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है और 1800 किलोमीटर पे अभी विदाउट सर्विस पे मुझे ये गाड़ी ओवरऑल कितने भी आप ट्रैफिक पे चलिए तो 16 का माइलेज मुझे ये गाड़ी दे रही है। तो 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अगर आपको गाड़ी विदाउट सर्विस के दे रही है, वो भी सिटी ट्रैफिक में, तो इट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ बेस्ट माइलेज। और ओवरऑल आप जिस हिसाब से गाड़ी को चलाते हैं 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, और आप जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस पे चलाएं, आपकी गाड़ी ओवरऑल इंक्लूडिंग सिटी एंड हाईवे माइलेज जो देगी वो 20 से आसपास, मीन्स 18-20-22 के आसपास आपको गाड़ी माइलेज देती है। और अगर आप हाईवे पे कंटिन्यू चलते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने इसका जो माइलेज निकाला था वो 22 पॉइंट समथिंग, मीन्स अप्रॉक्स 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज विदाउट सर्विस मेरा गया था। जहाँ आप इसकी बात करते हैं कुछ पार्ट्स की, तो जैसा कि सर्विस सेंटर में मैंने इसकी कुछ प्राइस टैग्स देखे हैं, वो प्राइस टैग बहुत ज़्यादा नहीं है, महंगे हैं, सस्ते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंपनी। और मारुति से अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा भले ही कॉस्टली हो सकते हैं, इसके लेबर चार्ज थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन पार्ट्स कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सस्ती कॉस्ट चूँकि मैनुफैक्चर इंडिया में ही हो रहा है इसका, और ये फोर्ड जो है अब अपनी कार
को इंडिया के अकॉर्डिंग बना रहा है, तो उसके पार्ट्स, उसकी रीसेल, उसकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपने खुद ही देखा गाड़ी की बैलेंसिंग, 140 पे भी गाड़ी आपको ये नहीं लग रही थी कि बहुत ज़्यादा किसी तरीके से गाड़ी में वबलिंग हो रही है या गाड़ी इधर उधर, जो एक लहराने वाली गाड़ी होती है दिक्कत होती है। सामने एक पुराना फोर्ड का वर्जन जा रहा है, फीगो का, आप देख सकते हैं। अब आज भी फोर्ड की जो ये फीगो है, ये मार्केट में इसकी अभी भी एक नाम बना हुआ है। और अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं और किसी से इसका एक्सपीरियंस मांगे कि फोर्ड फीगो डीजल मैंने परचेज किया है, कैसा इसका रिव्यू है, तो कोई भी शॉप वाला या कोई भी आपको सर्विस स्टेशन वाला यही बताएगा इट इज़ बेस्ट। रीज़न, चीप एंड बेस्ट आपको सर्विस मिलेगी। इसकी स्टार्टिंग जो आपकी होती है वो लगभग 680,000 रुपये से गाड़ी आपकी ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है। 680,000 से लेकर के आपको 774 तक गाड़ी का टाइटेनियम वर्जन मिलेगा नॉर्मल। और अगर आप स्पोर्ट वर्जन के लिए जाते हैं तो 832-840 के आसपास आपको स्पोर्ट वर्जन, थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन मिल जाता है। और अगर आप इसी का एस्पायर सेडान क्लास लेते हैं तो नॉर्मल प्राइसिंग से आपको 60,000-70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये फोर्ड का पुराना वर्जन मेरे बगल से गुजरा। तो मार्केट में आज आप फोर्ड के लोगों की दीवानगी और इसके डिमांड देख सकते हैं। एंड हु लव्स ड्राइविंग, जितने भी लोग गाड़ी में ड्राइविंग के लिए गाड़ी को परचेज करते हैं तो उनके लिए ये गाड़ी बनी हुई है फोर्ड की। हर तरीके की फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी जो एक आपकी सिंपल साधारण सी कार में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को केयर नहीं करते, जैसे कुछ लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं फोर्ड में रियर एसी वेंट नहीं दिया गया, अगर आप कहिए तो मैं आपको एसी का जो फ्लो होता है वो आपको दिखा सकता हूँ। गाड़ी की जो एसी है वो इसमें 2 टन की एसी दी गई है, मींस इतना पावरफुल एसी है कि आप मैं इस बात को बिल्कुल ओपनली कह सकता हूँ कि अगर आप इसका जो एसी है वो मिनिमम कर दें, और मिनिमम करने पर आप इस एसी को 2 घंटे लगातार नहीं चला पाएंगे। ऑर्डिनरी गाड़ियों में ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में हम लोग को लगातार मिनिमम डिग्री पे गाड़ी को चलाना पड़ता है, लेकिन मैं 2 घंटे बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 1 घंटे अगर आप लगातार गाड़ी को चला लीजिए तो आगे बैठे हुए बंदे को ठंडक लगना शुरू हो जाएगी। ये टेम्परेचर फोर्ड का है क्योंकि ये अपनी गाड़ी में सबसे ज़्यादा कम्फर्ट का ध्यान रखते हैं। आपकी सीटिंग पॉस्चर, जो सीटिंग पॉस्चर होगा वो बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं गाड़ी की सीट, ये सीटिंग पॉस्चर बिल्कुल बना हुआ है एक जैसे होता है कारों में एरोडायनामिक डिजाइन होती है, ऐसे बिल्कुल इसमें एक कंफर्टेबल कुशनिंग की गई है जो आगे से लेके पीछे आपकी बैक, लोअर बैक को पूरी तरीके से कवर किए रहे। लेगरूम आप देख सकते हैं, ये मेरा नॉर्मल सीट पे लेगरूम है। अगर मैं नॉर्मल सिटिंग पॉस्चर हो तो आपका लेगरूम कितना हो सकता है, मेरी हाइट 6 फुट है और इतना लेगरूम होना कोई बहुत मतलब साधारण सी बात नहीं है। मैं सीट को एकदम पीछे करता हूँ, अब ये मेरी सीट पीछे एकदम पीछे है और आप देख सकते हैं कितना लेगरूम आपको मिल जाता है यहाँ पर, पूरा का पूरा आप स्पेस ताकि आप सो सकें। और अगर मैं इसको एकदम आगे करता हूँ तो एकदम आगे करने पर मेरा पैर ये सीट में जाकर के, पूरे इसके जो ये ग्लो बॉक्स है इसमें जाकर के लड़ता है 6 फुट हाइट होने पर एकदम आगे सीट होकर के। ये एक डिजाइनिंग है फोर्ड की ताकि वो अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा कंफर्ट दे सकें, कस्टमर्स को थोड़ा सा एक सुविधा दे सकें, क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, अक्सर कुछ ऐसे जॉब होल्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो कम्फर्ट चाहते हैं, और उन सब के लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। दूसरी, इस गाड़ी की जो एरोडायनामिक डिजाइन है वो आपको गाड़ी के जो ग्रिप है उसको हमेशा मजबूत रखती है। वैसे अगर आप गाड़ी में प्लेजर चाहते हैं ड्राइविंग का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फीगो की आप स्पोर्ट वर्जन ले लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैंने 2-3 कारण बताए थे, वो इसका सबसे बड़ा कारण है चौड़े टायर्स, स्टिफ सस्पेंशन और 15 इंच के ऊंचे बड़े अलॉय व्हील जो आपको पूरी तरीके से रोड पर ग्रिप देते हैं और एक तरीके से सपोर्ट करते हैं जब आप गाड़ी को कट लेकर के अच्छे तरीके से एज पे चलाते हैं, तो ये आपको फ़ायदा मिलता है गाड़ी चलाने का। स्टीयरिंग व्हील्स बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है जिसकी वजह से आपको एक स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी ग्रिप मिलता है गाड़ी चलाने का। ये कुछ फ़ायदा जो मैंने आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया, मैंने माइलेज बता दिया, मैंने गाड़ी का टार्क, अगर आप कहिए तो मैं गाड़ी को अभी आपको टार्क भी दिखाता हूँ। गाड़ी का जो फिफ्थ गियर में, ऑर्डिनरी गाड़ियों में फिफ्थ गियर में पिकअप नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको फिफ्थ गियर में इसका पिकअप दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन नॉर्मल नॉर्मल से आपको स्पीडी लुक पे, माफ़ी चाहता हूँ कुछ आगे ट्रैफिक के कारण बहुत ज़्यादा एक्सलरेट नहीं कर पाया अभी, मुझे जब फ्री रोड मिलेगी तो मैं आपको इस गाड़ी का एक एक्सलरेशन दिखाऊंगा कि गाड़ी का एक्सलरेशन में कितना हार्श पिकअप लेती है, क्योंकि टॉप गियर में अक्सर सारी गाड़ियों का वो पिकअप नहीं मिलता, लेकिन इसका 1500 सीसी का जो डीजल इंजन दिया हुआ है
ये 225 mm का टॉर्क जनरेट करता है, और इतना टॉर्क जनरेट करने पर 100 हॉर्स पावर का ये इंजन आपको पूरी तरीके से एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आपको एक पावरफुल पैक मिलता है रॉकेट की तरीके से, जो आपको एक स्पीड देता है। सेम इंजन आपको इको स्पोर्ट में मिलेगा, तो इको स्पोर्ट भी चूंकि इस वेट लगभग 400 किलो वेट ज़्यादा है, और इतनी बड़ी गाड़ी में सेम इंजन और उसी इंजन को उठा करके छोटी गाड़ी में लगा दिया गया, लगभग 400 किलो कम वजन की गाड़ी में, तो आप उसका पिकअप ये देखिए, इसका पिकअप क्या है, केबिन बहुत ही साइलेंट है। केबिन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपको इंजन की आवाज़ बहुत ही हल्की हल्की सुनाई देगी और हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, बाकी आपको कोई भी आवाज़ किसी तरीके की इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। जो एक टायर की आती है, जैसे मैं स्विफ्ट की बात कर लूं या मारुति की किसी की बात कर लूं, तो टायर जब चलती है तो आपकी टायर्स की आवाज़ रोड पर चलने की आती, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। गाड़ी का टॉर्क नॉर्मल इकोनॉमी मोड में, जो गाड़ी का एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इकोनॉमी मोड, और इसमें चूंकि ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया हुआ है जो आपको इकोनॉमी मोड पे गाड़ी कब गियर शिफ्टिंग करना है ये आपको दिखाता है। अब आप इस गाड़ी के स्पोर्टी मोड पे देखिए, इसे आप और भी स्पोर्टी चला सकते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल जिस तरीके से चलाना चाहिए उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको हर तरीके की जानकारी दे चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको अपने सस्पेंशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे या नॉर्मल जब बम्पी रोड्स की बात आती है, तो उस बम्पी रोड पे आपको जो पंप्स मिलते हैं, जो आपको होल्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बंच होल आपके सामने आते हैं, और उस समय पर आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा शॉक्स मिलते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और आपको झटके बहुत ज़्यादा जर्क मिलते हैं, तो वो इस गाड़ी में आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि झटका तो लगेगा, लेकिन वो जैसे ऑर्डिनरी गाड़ियों में क्या होता है कि आपके बैक पे सीधे आता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी के जंप करना आपको पता चलता है, और बहुत ही कंफर्टेबल आपको इसमें बिल्कुल एक कंफर्टेबल पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा इस गाड़ी में, जो आपको चाहे आप बम्पी रोड पे चलाइए, चाहे आप क्लीन हाईवे पे चलाइए, चाहे आप सिटी में चलाइए, बहुत ही प्लेजरफुल आपको ये गाड़ी देती है, आपको एक एक्सपीरियंस देती है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में, अगर आप 7 लाख रुपये से लेकर के 8-8.5 लाख रुपये तक की गाड़ी चाहते हैं, और अगर आप हाँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रीसेल कोई मैटर नहीं है, क्योंकि रीसेल की अगर आप बात करते हैं तो भाई स्विफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा रीसेल गाड़ी का कम है, लेकिन मैं बताऊं आपको मार्केट में देखिए, अगर आप गाड़ी को शोरूम पे ट्रू वैल्यू में मार्केट में खुद ही बेचेंगे, तो हाल का ये अभी एक किस्सा आया था मेरे सामने, एक मैं आपको मिसाल दूँ, स्विफ्ट डिज़ायर VDI जो इस समय मार्केट में लगभग 7 लाख 7.5 लाख के आसपास की, मतलब 7 लाख 70 हज़ार 7 लाख 50 हज़ार के आसपास की गाड़ी है, और एक साल पूरा गाड़ी का नहीं हुआ था, लगभग 8 से 9 महीने की गाड़ी थी, और मात्र गाड़ी 7,000 किलोमीटर चली हुई थी, और 7,000 किलोमीटर गाड़ी का आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे, मारुति वालों ने उस गाड़ी का 4,25,000 रुपये प्राइस लगाया था, 5,25,000 रुपये, हाँ जी 5,25,000 रुपये उस गाड़ी का प्राइस लगाया था। अब आप सोचिए रीसेल के नाम पे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये का उन्होंने डिफरेंस काट दिया, 1 लाख रुपये लगभग काटा है, और 1-1.5 लाख रुपए एक साल पूरा ना होने पर इतना पैसा काट देना एक मैटर करता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाड़ी आप लेते हैं चलाने के लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा, अगर आप प्लेजरफुल गाड़ी चाहते हैं तो आप फोर्ड की इस गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है। आगे कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट डाल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।